आज चैप्टर नंबर 13 का हम एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है जी, कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स क्या है जी, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक लॉ पेश किया था जो कि आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और किस चीज़ से मुतल्लिक है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जो कि हम बार बार इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, के डिफरेंट मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को परे धकेलते हैं, दफ़ा करते हैं, और नहीं एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को परे धकेलते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये रिपेल करना रिपल्शन या अट्रैक्ट करना अट्रैक्शन, ये आपके पास फोर्स है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि तमाम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर। तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की उसका नाम था कूलम्स, ठीक है। तो जो चार्जेस के दरमियान में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करने वाली रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कूलम्स ने फाइंड की, और उसके मैग्नीट्यूड के रिलेटेड एक उसने फार्मूला बनाया, एक लॉ पेश किया जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है जी। अब इस कूलम ने जो लॉ पेश किया फोर्स के हवाले से, वो कुछ नया नहीं है। तकरीबन 9th फिज़िक्स के 5th चैप्टर के अंदर आपने एक लॉ पढ़ा था, एक फोर्स पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी आपके पास, जो उसकी डेफिनेशन बनती थी, जो लॉ की डेफिनेशन थी उधर, ठीक है, वही सेम डेफिनेशन, सिर्फ एक दो वर्ड्स की चेंजिंग के साथ आपके पास कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो जो डेफिनेशन ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर आपने पढ़ ली, तकरीबन वही डेफिनेशन वही लॉ आप किसके हवाले से पढ़ने लगे हैं, कूलम्स के हवाले से। उस फोर्स का नाम जो कि मैसेज के दरमियान में थी, ग्रेविटेशनल फोर्स था। इस फोर्स का नाम जो कि रेस्ट चार्जेस के दरमियान में आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपके पास चार्ज है Q1 चार्ज, और ये एक आपके पास दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज, और इनके दरमियान एक सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ, यानी दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, R। अब ये चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे, शुरू में हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को छोड़ देते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने चार्ज को ही नहीं शो किया कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों हम फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एंड में जाके देखेंगे। तो इन दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड की कि वो फोर्स किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम तो आम लाइफ में चार्जेस को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उनका प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक एनालॉजी कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। अब एनालॉजी क्या होता है, आमतौर पे हम बोलते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल वो होती है जिसके अंदर सेम वही रूल वही प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हों, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसका क्या मतलब है, उसके अंदर वो रूल्स एप्लीकेबल हैं, अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन एनालॉजी का मतलब होता है मुताबकत, और मुताबकत का मतलब यहां पर क्या होगा कि इन दो एग्जांपल के अंदर कुछ चीजें मुश्तरक हैं, कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। तो जो एग्जांपल हम डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, अभी मैं शो करूंगा, वो सेम कूलम्स लॉ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, लेकिन वर्किंग या दोनों के इफेक्ट सेम है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक एनालॉजी है हमारे पास। अब क्या करते हैं कि हम दो मैग्नेट लेते हैं, जो रिजल्ट हमें मैग्नेट से मिलेंगे वही सेम रिजल्ट उसको चार्जेस की मदद में मिले थे,
तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम मैग्नेट की मदद से समझकर जो है वो न्यूटन का कूलम्स का लॉ जो है वो डिफाइन करेंगे। अब किसी भी बार मैग्नेट के अंदर एक साइड होती है नॉर्थ और एक होती है साउथ, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ, इधर भी ये नॉर्थ ले लें, ये साउथ ले। तो सेम मैग्नेट की जो दो सेम साइड्स होती हैं वो दूसरे को रिपेल करती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम स्टडी करेंगे दो लिहाज से। पहली क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं कि ये दो मैग्नेट लिए, ठीक है, इनकी ये पोजीशन फिक्स कर दे, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या किया कि आपने इन दोनों पे मैग्नेट के साइज चेंज करके देखना है कि क्या इनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो फोर्स चेंज होती है कि नहीं। तो पहले आप समझें कि इन दोनों की साइज शेप सेम है, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ए डायग्राम में मैंने क्या कंसीडर किया, दोनों की शेप और साइज जो है वो सेम रखा। नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस तकरीबन आपने कोशिश करनी है उतना ही रहे, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, एक का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, क्या किया जी, एक का साइज इंक्रीज कर लिया। बी डायग्राम और एक डायग्राम को आप देखें तो ए में साइज दोनों के सेम और बी में एक का साइज मैंने इंक्रीज कर। तो अब क्या होगा, इन दोनों में जो पहले रिपल्सिव फोर्स थी, जो एक दूसरे पे वो फोर्स लगा रहे थे, वो पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमने इस प्रैक्टिकली परफॉर्म करके हमने क्या देखा कि अगर आप मैग्नेट के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं पहले की निस्बत, ठीक है, तो आपने फोर्स को क्या देखा, पहले से स्ट्रांग। ये मार्कल से एग्जांपल ले लें कि ये दो सेम साइज के मैग्नेट हैं, आपने इस फिक्स पोजीशन पे रखे हुए, इनका डिस्टेंस नहीं चेंज करना, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों में क्या होगा, एक फोर्स होगी, ठीक है। अब मैं साइज चेंज करता हूँ, ये दो मैग्नेट ले लेता हूँ, तो क्या होगा आपके पास, पहले की निस्बत फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं बी डायग्राम के नीचे क्या लगा लिख सकता हूं कि अब स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करेगी, क्या होगा जी, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो एक्ट करेगी आपके, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लेफ्ट वाले मैग्नेट को मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, उसका साइज बड़ा कर दें, राइट वाला वैसे ही रहने दें, ठीक है। तो सिर्फ एक के साइज पर नहीं डिपेंड कर रहे, चाहे आप राइट वाला मैग्नेट बड़ा करें चाहे आप लेफ्ट वाला मैग्नेट बड़ा करें, आपके पास फोर्स पहले की निस्बत क्या हो गई, बढ़। तो दोनों के मैग्नीट्यूड या साइज कह लें, मैग्नेट के लिहाज से बोलेंगे कि दोनों के साइज चेंज करने से फोर्स आपके पास क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, अगर आप साइज बढ़ा रहे हैं। इसके ऑपोजिट अगर पहले इस तरह के मैग्नेट थे, एक स्ट्रांग था और एक आपके एक जो है वो बड़ा मैग्नेट था, एक आपके पास छोटा मैग्नेट था, ये ए डायग्राम, ठीक है, तो पहले फोर्स क्या होगी, ज़्यादा, बनिस्बत इसके कि मैं सेकंड डायग्राम के अंदर क्या करूं, मैग्नेट का साइज छोटा कर। तो ऐसे रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज हो, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेट का साइज बड़ा करने से फोर्स स्ट्रांग हो रही थी, और उल्टा देखें ऊपर वाले डायग्राम की तरफ, नीचे से ऊपर आए, अगर मैग्नेट का साइज छोटा किया तो फोर्स क्या हो रही है, कम। तो साइज के साथ, मैग्नेट के साइज के साथ फिर फोर्स किस तरह है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम ये उसने चार्जेस के केस में ऑब्जर्व किया कि अगर आप चार्जेस की पोजिशन ना बदलें, यानी उनके दरमियान में इस डिस्टेंस को ना चेंज करें, सिर्फ दोनों का साइज इंक्रीज कर दें या दोनों में से एक का साइज इंक्रीज कर दें, फोर्स स्ट्रांग हो गई। और इसका रिवर्स प्रोसेस, पोजीशन वही रखें यानी डिस्टेंस सेम रखा, एक का साइज कम कर दिया या दोनों का साइज कम कर दिया, तो आपके पास फोर्स क्या हो गई,
डिक्रीज हो गई। तो इससे उसने क्या फिर निकाला कि आपके पास जो फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द कूलम, या मैंने दूसरा नाम बताया क्योंकि स्टैटिक चार्ज रेस्ट पे पड़े हुए हैं ना, तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, द कूलम फोर्स या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। साइज से मुराद यहां पर साइज बड़ा या छोटा करने से मुराद क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या निकला कि आपके पास कूलम फोर्स जो है वो आपके पास जो दो चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही होगी वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है जी। अब दूसरा इफेक्ट उसने क्या देखा या दूसरा उसने रिजल्ट क्या निकाला कि अगर आप मैग्नेट्स के, मैग्नेट से ही हम समझेंगे, मैग्नेट के साइज को चेंज नहीं करते, ठीक है, ये दो मैग्नेट हैं, ये ए पोजीशन या ए डायग्राम इसकी, और दूसरी में आप क्या करते हैं उसी साइज के मैग्नेट्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, जरा दूर दूर ले जाते हैं, ठीक है। पहले इनके दरमियान में डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसको मैं क्या कहता हूं डी वन, और अब डिस्टेंस क्या है जी डी टू, और हमने क्या देखा D2 is greater than D1, यानी पहले से मैग्नेट के दरमियान में आपने डिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दी। तो क्या देखते हैं आप डेली लाइफ में, फोर्स पहले से स्ट्रांग होती है या कम होती है, कम होती, डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स क्या हो रही है, वीक होती जा रही है। मैग्नेट हम डेली लाइफ में ये परफॉर्म कर लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट कि दो मैग्नेट थे उनके दरमियान में पहले डिस्टेंस था मिसाल के तौर पर तकरीबन 15 सेंटीमीटर, आप उसको बढ़ाकर कर देते हैं 30 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बढ़ा तो मे भी आपको फोर्स ही ना महसूस हो, दोनों मैग्नेट्स में लगे फोर्स ही नहीं है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स क्या हो रही है, कम, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और फोर्स क्या हो रही है, वीक हो रही है। तो ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन। सेम ये इफेक्ट उसने चार्जेस में देखा था कि जब दो चार्जेस को करीब लाते जाएं तो फोर्स स्ट्रांग होती है, और सेम मैग्नेट की तरह अगर दो चार्जेस को दूर लेकर जाते जाएं तो फोर्स आपके पास वीक होगी। तो इस सेकंड केस के अंदर F2 जो है वो लेस देन होगी F1, इनवर्सली रिलेशन देखें, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, D1 कम है डिस्टेंस कम है लेकिन फोर्स ज़्यादा। तो उसकी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा ये था, ये जो फोर्स कूलम फोर्स की बात है इज inversely proportional to the square of the distance between them, यानी उन charges के दरमियान में जो distance है उसके square के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको भी अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर,
अगर आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलना हो तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और अगर आपने प्रोपोर्शनल का वर्ड बोलना है तो एफ प्रोपोर्शन टू वन ओवर आर स्क्वायर। वन ओवर का मतलब ही इन्वर्सली, ठीक है। तो ये उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला। अब मैंने शुरू में बोला ये सेम आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है, तो देखने सेम यहाँ पर एक वर्ड था द ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद है यहाँ पर कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। सिर्फ ये दो तीन वर्ड्स का फर्क है, आपके पास वहाँ मैसेज का जिक्र था और क्या था चार्जेस का जिक्र था, वहाँ पर मैसेज का जिक्र था, यहाँ पर चार्जेस का जिक्र। तो फार्मूले में भी देखें यहाँ पर Q1 और Q2 है, वहाँ पर M1 और M2 था। अब ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स है, तो इधर F के साथ आपको E लिखा हुआ भी बुक्स में मिल सकता है, क्यों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब इसको कंबाइन करें तो F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शन टू, दोनों प्रोपोर्शन के साइन कॉमन करें तो F प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है जी। तो प्रोपोर्शन का साइन खत्म करें तो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शन इक्वल में चेंज होता है, और साथ में क्या आता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, यानी प्रोपोर्शन की जगह एक कांस्टेंट आया, वो K है इस फार्मूले में Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, कि F इज इक्वल टू, या F सिर्फ भी आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये K क्या है, नाम के लिहाज से तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू भी फिक्स होती है, तो ये K आपके पास K किसके बराबर है जी, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इसका सिर्फ आपके जो सिलेबस है आपकी जो बुक है उसके अंदर सिर्फ ये फार्मूला लिखा हुआ है, असल में इस कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, ये इसके फार्मूला है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ, यहां पर फ्री स्पेस है, लेकिन असल में ये एक मीडियम की वैल्यू है, किस चीज की वैल्यू है, मीडियम की। तो जब हमने ये दो चार्जेस कंसीडर किए, ठीक है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान में यहां पर कोई मीडियम भी होगा, मीडियम से मुराद मैटर की कोई फॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैसेस में से। तो फिलहाल यहाँ पर हम फ्री स्पेस या एयर कंसीडर करते हैं, तो हम उस वक्त एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वन ले लेते होते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या है, किसी मीडियम की एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप मीडियम यहाँ से चेंज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू भी चेंज हो, ठीक है। तो इसको भी आप इसी मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि आमतौर पर जब हमारे पास दो मैग्नेट है उनके दरमियान में एयर है, ठीक है, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अगर आप उसके दरमियान में पेपर रख दें, तो आम बच्चे ये गेम खेलते रहते हैं कि पेपर के दोनों तरफ मैग्नेट रख के तो उसको घुमाते रहते हैं, या बाद दफ़ा बच्चे अपने टेबल के नीचे से भी एक मैग्नेट ऊपर रख देते हैं और एक नीचे रख कर उसको मूव करते, लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे आप उसके दरमियान में डेंसर मीडियम लेके आ रहे हैं, डेंसर मतलब हार्ड सॉलिड ठोस मीडियम लेके आ रहे हैं, वो दोनों मैग्नेट की अट्रैक्शन कम होती जाती है, यानी चंद मैग्नेट ही ऐसे होते हैं जो कि टेबल के इतनी मोटी शीट के नीचे से एक दूसरे को मूव कर लें, वरना आम तौर पे जो ऊपर वाला मैग्नेट है वो नीचे वाले मैग्नेट की वजह से मूव नहीं करे, और उससे ज़्यादा थिक चीज़ हो जाएगी, लेकिन हो इंसुलेटर, यानी कि आपके पास लोहे की कोई शीट दरमियान में हो तो वैसे ही मैग्नेट है, उससे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा, तो आपके पास इंसुलेटर जो है प्लास्टिक रबड़, जितना आप उसकी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि वो फोर्स वीक होती जा रही है। सेम इसी तरह दो चार्जेस के दरमियान में भी अगर आप मीडियम जो है वो डेंसर करते जाएंगे और इंसुलेटर भी हो वो साथ में, तो आपके पास क्या होगा, ये फोर्स वीक होती है। तो अगर ये फोर्स वीक होती है तो असल में क्या वैल्यू चेंज होती है, परमिटिविटी चेंज होती है, परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और फाइनली आपके पास क्या होता है, के की वैल्यू
भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, डिक्रीज। तो अभी तक हमने दो फैक्टर पढ़े थे, एक मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक डिस्टेंस पे। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ कि ये पहली चीज़, ये दूसरी चीज़ जिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड कर रही है, और तीसरी चीज़ जो आपके पास जिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है वो क्या है जी, मीडियम बिटवीन चार्जेस। कि चार्जेस के दरमियान में अगर आप मीडियम को चेंज करेंगे तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, चेंज। ठीक है, तो ये तकरीबन आपका टॉपिक पूरा हो गया जो टेंथ की फिजिक्स के अंदर है आपके चैप्टर के अंदर। लास्ट में सिर्फ एक चीज़ देख लें कि आपने कहा, मैंने बल्कि बताया आप लोगों को कि ये दो चार्जेस सिंपल मैंने शो किए थे, और मैंने अट्रैक्शन की बात भी की थी और रिपल्शन की बात भी की थी। तो किस तरह पता लगेगा जी, कि हमें फार्मूले से किस तरह पता लगेगा कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको दे दिया जाता है, तो उससे किस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ये दोनों चार्ज आपके पास क्या हैं जी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस करें, प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों को मल्टीप्लाई करें, किसी भी जगह पे देखें तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आता है। लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस, ये इनके दरमियान में डिस्टेंस आर, ये पॉजिटिव हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो यहां पर पुट करें तो प्लस माइनस, तो आपके पास एफ ई का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर। तो यानी अगर कूलम फोर्स के फार्मूले में प्लस का साइन आ रहा है तो वो आपके पास सेम चार्जेस के दरमियान वाली फोर्स है, और सेम चार्जेस में क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास अट्रैक्टिव कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।